अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने समोसा शीट्स और स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ आधा किलो मैदा लिया है, इसमें मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटा मलेंगे। आटे को बहुत पतला नहीं बेलना है, रोटी की तरह थोड़ा हार्ड ही गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके हम आटे को गूंद लेंगे अच्छी तरह। देखिए इस तरह अच्छे से मलना है। तो हमारा आटा मलकर रेडी है। ये बहुत सॉफ्ट नहीं है। अब हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए 20 मिनट के बाद हमारा डो एकदम रेडी है शीट्स बनाने के लिए। तो अब हम काउंटर पर थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे। इसे अब हम लंबा बेलेंगे, गूंद लेंगे लंबे साइज़ में। देखिए अब हम इसे नाइफ से कट लगाएंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पेड़े बना लिए हैं। अब हम काउंटर पर एक पेड़ा लेंगे और इस पर मैदा डस्ट करके इसे बेल लेंगे। तरह बेलना है। इसी तरह हम दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे। इस तरह हम सभी पेड़ों को बेल लेंगे और अब हम इसे तेल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। सभी तरफ तेल ग्रीस करना है अच्छे से। इसके बाद हम इस पर मैदा डस्ट करेंगे हल्का हल्का। हमने यहाँ चार पर ऑयल लगाया और मैदा डस्ट किया है। एक को हमने ऐसे ही रखा, ऐसे ना ऐसे मैदा लगाया ना ही तेल। अब हम इस तरह एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। इसे बराबर कर लीजिए। अब हम इस पर ऊपर की पारी ऐसे ही रखनी है। इसे हम हाथ से प्रेस करेंगे और जितना बड़ा होता है उसे कर लेंगे हाथ से ही प्रेस कर करके। इससे क्या होगा कि बेलते वक्त ये सरकेंगे नहीं। अब हम काउंटर पर थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छी तरह बेल लेंगे। सभी साइड से एक जैसा होना चाहिए, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा नहीं होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ बेल लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में ढककर रखेंगे जिसे सूखे ना। अब हम स्प्रिंग रोल के लिए भी बेल लेंगे। मैंने यहाँ चार पेड़े लिए हैं, इसे भी हम इसी तरह बेल लेंगे। तो देखिए हमारी पारी तैयार है, रोटी बेलकर तैयार है। अब हम इसे सेक पर भून ले, इसे सेक लेंगे। यहाँ मैंने तवे को हल्का सा गर्म होने के लिए रख दिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और मीडियम फ्लेम पर
हम इसे एक साइड से 30 सेकंड के लिए भून लेंगे, रोस्ट करेंगे 30 सेकंड के लिए एक साइड से। अब हम इसे दूसरी साइड से भी 30 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। देखिए, और एक बार हम इसे पलटेंगे तो रेडी है शीट्स बनाने के लिए हमारी रोटी। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ढककर। इसी तरह हम दूसरे बेल सेक लेंगे, से भी 30 सेकंड के लिए एक साइड से सेकना है। मीडियम लो फ्लेम रखना है, हल्की फ्लेम। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सबकी लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देखिए कितने आसानी से हमारे शीट्स अलग हो रहे हैं। देखिए माशाल्लाह, देखिए कितने पतले हुए हैं, अलग हो रहे हैं। देखिए इसी तरह दूसरे भी देखिए कितने आसानी से निकल रहे हैं। देखिए कितने पतले बने हैं। अब हम इस तरह से कट कर लेंगे बीच में से। सेंटर से कट करना है। अब हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए रेडी है हमारे समोसा के शीट्स। इस तरह अब हम दूसरे भी बना लेंगे शीट्स। ये पट्टी समोसा ये दूसरे तरह के हैं, इस तरह भी बनाए जाते हैं समोसा। अब हम इसे साइड से कट कर लेंगे। ये चौड़ाई में 2.5 इंच और लंबाई में 9 इंच की पट्टी है। देखिए हमारे बनकर रेडी हैं पट्टी शीट्स। अब हम स्प्रिंग रोल के शीट्स बनाएंगे। इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड से और इसे ऊपर से जो वेस्ट है इसे कट कर लेना है। ये जो आटा बचता है इसे फेंकना नहीं है, इसकी रेसिपी मैं डालूँगी। इसे भी आप ज़रूर देखिए। इसे भी हम कट कर लेंगे, ये वेस्ट नहीं जाता। इसकी भी मैं रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए बनकर रेडी है हमारे स्प्रिंग रोल शीट्स। इसे आप फ्रीज में 3 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं जी ब्लॉक बैग में रखकर, और जब दिल चाहे आपके समोसा आप बनाकर खा सकते हैं। स्प्रिंग रोल के शीट्स रेडी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया और मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो देखिए रेडी है हमारे समोसा शीट्स।